सी like, में क्या दिक्कत आती है स्किन yeah. में मिलाजमा पिगमेंटेशन एंड स्ट्रेच मार्क्स या एक्ने डल ड्राई स्किन राइट हर बॉडी टाइप डिफरेंट है हर प्रेगनेंसी डिफरेंट है अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है बॉस स्किन ही हो आपका काब इनटेक काब्स अनाज इनटेक बहुत ज़्यादा है तो आपको मुलाजमा पिगमेंटेशन आप प्रॉपर फुल न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो आयन वाइटामिन ई e डेफिशिएंट हो तो आपको पिगमेंटेशन और मिलाजमा होएगा ही होएगा बिकॉज हो आपका कार्ब इनटेक ज़्यादा है आपकी बॉडी टाइप एक्टोमोफ है एंड थर्ड इज स्ट्रेच मार्क्स स्ट्रेच मार्क्स का आप एक्सटर्नल जितनी मर्जी केयर करो आपको स्ट्रेच मार्क्स आएंगे अगर आपका वेट गेन एक्सेस होएगा एक बलून है अगर आप उसमें वाटर डालते जाओगे वो स्ट्रेच होता जाएगा राइट लेटर ऑन जब बेबी डिलीवर हो जाएगा तो वो उस पर रिंकल्स होगी राइट आप एक्सटर्नल केयर तो मैटर ही नहीं करती है आप वैसे नरिशमेंट yeah. के लिए कोकोनट ऑयल लगाओ बट आप लेस टू लेस वेट गेन करो अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स नहीं चाहिए सो लेस टू लेट वेट गेन करने का तरीका ये क्लीन बैलेंस्ड मैक्रोस प्रोटीन फैट्स गुड फैट्स कार्बनटेक प्रॉपर बैलेंस्ड खाओ Like how is like our Indian they see meals are there like to like what all you have included and what do you recommend people like कुछ लोग कहते हैं कि घर का खाना ही खाना चाहिए why is that important like गो. what is the real significance behind it घर के खाने में भी अगर आप सुबह उठते ही परांठे खा रहे हो that's not healthy yes burn कितना कर रहे हो burn आप farming कर रहे हो परांठे खा रहे हो राइट right? सो hmm. so, आपका मॉर्निंग का भी इनटेक अगर आप परांठे खा रहे हो फ्राइड फूड खा रहे हो मॉर्निंग उठते सारी आप सूजी uh, कोई वड़ा खा रहे हो राइट फ्राइड फूड खा रहे हो ना तो दैट्स नॉट हेल्दी सो आप क्या इनटेक कर रहे हो वो ज़्यादा मैटर कर रहा है एंड आप क्या एक्सपेंडिचर आपके हैं वो भी मैटर करता है सो मेरे अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी इज़ अ ग्लोइंग स्टेज आपकी स्किन अगर आप हेल्दी खा रहे हो हेल्दी लाइफ ऑप्ट कर रहे हो प्रॉपर वर्कआउट कर रहे हो आपकी स्किन ग्लो करनी चाहिए एक्त wow. yes. uh, skin, skin है सो हर प्रेगनेंसी डिफरेंट है बट so, आप अपना अगर मैक्सिमम इनपुट दो ना वर्कआउट करो लाइफ स्टाइल करो तो आपकी स्किन प्रॉपर ग्लो करेगी पता चलेगा की हाँ प्रेगनेंट हो आप okay. so, things to be taken care for your like stretch marks very precise एक चीज मैं आपको और ऐड करनी थी uh, अगर आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस है आप बहुत ज्यादा कार्ब इनटेक और शुगर इनटेक ले रहे हो तो उससे आपकी स्किन ब्लेजमा ही नहीं होएगा आपको uh, नेक पे भी ब्लैक ब्लैक uh, क्रीजेस वाली okay, स्टार्ट okay. हो जाएंगी नेक फोल्ड्स पे भी ब्लैक ब्लैक लाइनिंग आपकी अपर स्किन बहुत सिम्टम्स आपको रिलेट करती है कि आपके इंटरनल बॉडी में क्या हो रहा है ओके तो आपको लेटर ऑन

देखो हर केस डिफरेंट है जैसे मेरे केस में बेबी की एक प्रेजेंटेशन होती है okay. नेचुरल जो जो नॉर्मल प्रेजेंटेशन है दैट शुड बी सिफेलिक बेबी का हेड डाउन होना चाहिए जी सो so, मेरे केस में बेबी की जो प्रेजेंटेशन थी वो ब्रीच थी ब्रीच मीन्स बटक्स लोअर साइड हेड अप साइड सो नॉर्मल डिलीवरी तो पॉसिबल ही नहीं है देन डॉक्टर कहते कि ये बड़ा रेयर केस होता है कि बेबी इस टाइम पे आके पोजीशन चेंज करे करे बिकॉज बेबी का जो वेट है वो टू पॉइंट फाइव और थ्री के जीज है सो आई हैव रेड वन आर्टिकल दैट हैज़ मैं अगर आप एमटी स्टमक डेली वॉक करते हो तो बेबी की पोजिशन हजारों में लाखों में कोई एक बच्चा चेंज कर लेता है सो आई वॉज लाइक गिव अ ट्रायल सो मैंने मॉर्निंग एम टी स्टमक वॉक स्टार्ट की देन जैसे ही मैंने स्कैन कराई थर्टी सेवन वीक दानी डिलीवर होनी थी सी सेक्शन बिकॉज प्रेजेंटेशन वॉज ब्रीच तो देन मैंने थर्टी सिक्स वीक पे स्कैन कराई तो बेबी की पोजिशन डॉक्टर oh. so so like, भी शॉकड और मेरे को yeah. भी कोई मतलब पता भी नहीं चला कब पोजिशन चेंज होगी बेबी की इवन एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी तो देन आई हैव डिसाइडेड कि अभी मैंने नॉर्मल की तरफ जाना है बट मेरी सर्विक्स प्रिपेयर नहीं थी जब आपका हेड डाउन होता है ना तो आपकी सर्विक्स एक कॉलगेट ट्यूब है न ट्यूब का अगर पीछे से कॉलगेट का प्रेशर होएगा तभी कॉलगेट बाहर आएगी yes. ना सेम लाइक दैट प्रेशर वाटर बेबी का होना चाहिए उसके हेड हेड इज अ बोनी स्ट्रक्चर ज्यादा बोन्स है तो yes. बोन so, से आपकी सर्विक्स प्रिपेयर होती है विद द टाइम थ्री मंथ्स में राइट yeah. तो right? so, वो प्रिपेयर होते होते धीरे धीरे डायलेशन ओपनिंग होती है सर्विक्स की फिर बेबी बाहर आता है ऐसे ही थोड़ी ओपनिंग होगी कहीं भी बेबी डिलीवर हो गया ऐसे <laughs> कुछ नहीं होता राइट फर्स्ट प्राइमी ग्रेविडा में फर्स्ट प्रेगनेंसी में राइट सेकंड थर्ड इज अ डिफरेंट राइट सो उस केस में क्या होता है कि आपका बेबी मतलब फीमेल हेल्थ इज सो स्ट्रांग तो मेरे केस में वो सर्विक्स प्रिपेयर नहीं हुई थी बिकॉज हेड नीचे ही था बटक बटक वॉज अ सॉफ्ट या बटक वॉज अ सॉफ्ट एरिया तो वो सर्विक्स प्रिपेयर नहीं कर सकता सो उस केस में डिफरेंट था मेरे केस में नेचुरली आपको उस टाइम मैंने इवन लाइक like घर पे पेंट बैठना स्क्वाड पोजीशन में एक एक दो दो घंटे आई डिड दैट इवन आई डिड वर्कआउट राइट सो उस टाइम पे आप अपना मैक्सिमम दो कोई आपका बेबी ऑन द स्पॉट नहीं डिलीवर हो जाएगा इट्स अ ट्रू एंड फॉल्स लेबर पेन्स आएंगी आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा प्रोसेस ग्रेजुअल आवर्स आवर्स की भी पेन हो सकती है आपको राइट right? उस टाइम पे तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सर्विक्स को प्रिपेयर करना सो so आप hmm. अपना प्रॉपर बेबी का प्रेशर बनाओ सर्विक्स पे सो दैट नॉर्मल डिलीवरी हो, हो तभी आज की डेट में सी सेक्शन ज्यादा हो रहा है